हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ ज्ञानेंद्र सिंह सिब्बू और आप देख रहे हैं ए टू जेड कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप विलेज में अपने गांव में एक ग्रोसरी, किराना स्टोर, जनरल स्टोर कैसे खोल सकते हैं, कितना फ़ायदा होता है, कितनी लागत लगानी पड़ती है, कितना आप कमा सकते हैं महीने में और कितना आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो शुरू करेंगे स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि देखिए ग्रोसरी और जनरल और किराना स्टोर गांव में सारे स्टोर मिक्स होते हैं। यूँ कह सकते हैं कि आप अगर एक गांव में अगर आप ग्रोसरी स्टोर खोलते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें रखनी पड़ती है। वैसे जनरल आइटम में, किराना आइटम में हज़ारों लाखों आइटम होते हैं, लेकिन क्योंकि गांव में आपको किराने की दुकान में शहर से ज़्यादा प्रोडक्ट्स रखने पड़ते हैं। क्यों, ये सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। लेकिन दोस्तों, सबसे पहली बात, अगर आप ग्रोसरी स्टोर खोलते हैं तो अगर आप शहर में खोलते हैं, यानी कि एक डिपार्टमेंटल स्टोर टाइप खोलते हैं, मॉल टाइप खोलते हैं, तो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ। अगर आप मार्केट में खोलते हैं तो उसकी भी बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे पहले ही मैंने कहा कि ये जो बता रहा हूँ जानकारी, ये गांव में बेसिकली एकदम देहात में कैसे आप किराना और जनरल स्टोर कितने पैसे में आप खोल सकते हैं और कितना कमा सकते हैं, इस चीज़ पे हम बात करेंगे आज, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले गाँव में खोलने के लिए दोस्तों, कम से कम आपको 10x10 या 10x8 का एक रूम होना चाहिए, एक कमरा होना चाहिए जहाँ पे आप अपने दुकान को मेंटेन कर सकते हैं। कम से कम अगर आपको रैक का खर्चा चाहिए, तो अगर आप गांव में नहीं भी रैक है तो भी चल सकता है, क्योंकि चीज़ों को बहुत व्यवस्थित ढंग से लोग नहीं रखते हैं, कम पूंजी में स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं बात करूंगा एकदम प्रॉपर तरीके से कैसे आप सेटअप कर सकते हैं और एक्चुअली में कितना पैसा लगेगा, यानी गांव में आप कितना पैसा लगा के एक अच्छी खासी किराना की दुकान खोल सकते हैं। मैं अच्छी खासी का मतलब कि ना बहुत ही अच्छी ना बहुत ख़राब, मीडियम में। तो मीडियम में खोलने के लिए सबसे पहले अगर आपके पास 10x10 का रूम है तो परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा है तो और अच्छी बात है, छोटा है तो भी एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन अगर इतना है तो बेटर है। इसके बाद दोस्तों रैक्स में, तो रैक्स में आपको मात्र 8 से 10 हज़ार रुपये अगर आपने लगा दिया तो समझ लीजिए कि 3 दीवार में आपका रैक्स हो जाएगा। 8 से 10 हज़ार में काम स्टार्ट आपका हो जाएगा रैक वाला, क्योंकि रैक बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों किराने के स्टोर में, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं। तो आप हर प्रोडक्ट को अगर आप ज़मीन पर रखेंगे या टांग देंगे तो आप खुद भूल जाएंगे कि प्रोडक्ट कहाँ रखा हुआ है, और कुछ ग्राहक को तो ऐसे भी नहीं दिखेगा जब आपको ही नहीं पता रहेगा। इस वजह से पूरी प्लानिंग करिए, आप रैक्स में रखिए सामान ताकि ग्राहक को भी दिखे और आपको भी दिखे, ठीक है दोस्तों, आप हमारी बात समझ पा रहे होंगे। इसके बाद 8 से 10 हज़ार लगाने के बाद अब आती है बात कि कितने में हम अपने प्रोडक्ट को उसमें किराने की दुकान में कितने का प्रोडक्ट हम भर सकते हैं, कितने का शुरुआती लगा सकते हैं। तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको, कम से कम 8 से 10 हज़ार रुपये अगर आप लगाते हैं तो आपकी शॉप स्टार्ट हो जाती है। 8 से 10 हज़ार में आपको सारे प्रोडक्ट मिल जाते हैं जो कि एक किराने की दुकान को स्टार्ट करने के लिए बहुत बेसिकली गाँव में, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप 10 हज़ार रुपये रैक्स में लगा लिए, 10 हज़ार रुपये आपने प्रोडक्ट भर लिया, यानी 20 हज़ार रुपये में आपकी दुकान स्टार्ट हो जाती है दोस्तों। तो इतना कम में आप सोच सकते हैं कि 20 हज़ार रुपये में स्टार्ट करना, कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो 20 हज़ार रुपये लगा के अपने गांव मोहल्ले में एक दुकान ना खोल सके। तो बेरोजगारी से अच्छा है दोस्तों कि कोई रोज़गार किया जाए, ठीक है। अब बात आती है कि कितना इनकम आप कर सकते हैं। तो अगर आपने इतना कर लिया और डेली के अगर आप 1000 रुपये के भी बेच दिए सामान ना, 1000 रुपये के, तो भी आप 200 रुपये कहीं नहीं गया आपका डेली का। और अगर आपने 2000 बेच दिया तो 400 रुपये, 3000 बेच दिया तो 600 रुपये, 4000 बेच दिया तो 800 रुपये। अगर आपने 5000 रुपये का धंधा आपने कर लिया तो ये समझ लीजिए कि 1000 रुपये आप बचा लेंगे। अब सोच के देखिए कि 8 से 10 हज़ार लगा के आप डेली के 1000 से 5000 रुपये का अगर धंधा आप करते हैं तो आप 1500 से 1000 रुपये डेली कमा सकते हैं दोस्तों। और लोग कमा रहे हैं, क्योंकि मैं एक होलसेलर हूं और मुझसे
ना जाने कितने दुकानदार भाई जुड़े हुए हैं, लगभग 150 से 200 ग्राहक जुड़े हुए हैं, और कितना कमाते हैं, कितना सामान लेके जाते हैं मुझे पूरा पता है, और कितनी मार्जिन होती है, इस वजह से मैं बता पा रहा हूँ दोस्तों। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुना सुनाई बात पे आपको बताऊँ, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल है, इस वजह से मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, हो सकता है आपको समझ में आ रहा हो। अगर हमारी बातें आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अब बात आ जाती है, आप इनकम भी कर लिए, अब सामान क्या क्या रख सकते हैं। तो गांव की दुकान में दोस्तों आपको जनरल स्टोर यानी कि खाने पीने से लेकर सारे सामान जो कि जनरल आइटम में आते हैं, किराने की दुकान, किराने में आपको जितना भी पूड़िया बनाने से लेकर पैकेट तक का सामान है, चीनी से लेकर तेल मैदा रिफाइंड सारा कुछ रखना पड़ता है जनरल में, साबुन सरफ मतलब ए टू जेड तेल वगैरह सारा चीज़, चाहे वो लगाने का तेल हो चाहे खाने का तेल हो, सारा कुछ रखना पड़ता है आपको, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा गांव में अगर आपकी शॉप है तो आपको सब्जी भी रखनी पड़ती है, यानी कि ड्राई फ्रूट भी रखना पड़ता है, कॉस्मेटिक के भी सामान रखने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको रखनी पड़ती है, बेकरी के आइटम रखने पड़ते हैं, यानी कि सारे कुछ आपको रखने पड़ेंगे दोस्त। अगर इतना आपने कर लिया तो समझ लीजिए एक अच्छी इनकम लेने के लिए आप तैयार हैं दोस्तों। तो बहुत ही कम पूंजी में एक अच्छा इनकम, और सबसे बड़ी बात जो है ये सारी चीज़ें जनरल आइटम हर घर की ज़रूरत है, ये बिकना ही बिकना है, इस वजह से आपका एकदम नुकसान नहीं होगा, बशर्ते आप स्टार्ट कर दीजिए। और दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी चीज़ है, दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी है, इन सारी चीज़ों को जो भी आप प्रोडक्ट रखें अपनी दुकान में वो ब्रांड रखें, शुरुआत में हमेशा ब्रांड पे फोकस करें। जब तक आपके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस ना हो जाए दुकान में तब तक आप लोकल प्रोडक्ट्स ना उठाइए, ब्रांड प्रोडक्ट उठाएंगे क्योंकि लोग मांगते हैं ब्रांड के नाम से कि भैया ये चीज़ हमको दे दो, और आपने दे दिया, बस सिंपल सी चीज़। तो जानकारी बहुत हो सकती है, बातें हम घंटों तक कर सकते हैं, नहीं ख़त्म होगा, लेकिन ये छोटी सी वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर हम अगले पार्ट में अगली वीडियो में कुछ और भी जानकारी आपके लिए लाएंगे। तो अगर आप दोस्तों पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।